Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 11th में cell the unit of life है. आज का जो chapter है वो है nucleus. ठीक है, sorry, आज का जो topic है वो है nucleus. ठीक है, देखो first described by Robert Brown. देखो nucleus को जो first time जो discover किए थे उनका नाम था Robert Brown. ठीक है, Robert Brown जो है वो first time nucleus को discover किए थे. ठीक है, स्टैंड विद अ बेसिक डाई बाय अ फ्लेमिंग. किसका स्टैंड से, तो कुछ बेसिक फ्लेमिंग था उसके वजह से ये डाई किए, तो उनको पता चल गया कि जो सेल है, सेल में क्या होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियस में बहुत सारे डीएनए देखने को मिलेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे जो है वो बहुत सारा क्या है, डीएनए है. ठीक है, डीएनए है यहाँ पे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है वो क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, यहाँ पे एक ओपन पोर होता है. ठीक है, एक ओपन क्या होता है, पोर्स होते हैं. इसके पास यूकोक्रोमेटिन होता है, डीएनए होता है और कुछ लेमिना होता है. ठीक है, अब देखो पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पहले में जो है वो है टेलोसेंट्रिक. ठीक है, फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर मेटासेंट्रिक. ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के, फोर टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, सबका जो शेप है वो क्या है, अलग अलग शेप है. देखो तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, पी आर्म होता है और यहाँ पे क्यू आर्म होता है. ठीक है, देखो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का बात करें तो इसका जो है यहाँ पे क्या है, तो पी आर्म होता है. ठीक है, बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है सेंट्रोमियर्स. देखो यहाँ पे होता है पी आर्म्स. ठीक है, अपर में क्या होता है, पी आर्म्स होता है, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमर्स होता है, नीचे में क्या होता है, तो क्यू आर्म्स होता है. ठीक है, वहीं पे अगर सब मेटासेंट्रिक का बात करें तो ऊपर में इसका पी आर्म होगा. ठीक है, ऊपर में पी आर्म और नीचे में क्या होता है, क्यू आर्म्स, बीच में सेंट्रोमर्स होता है. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट होता है. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं. इसका भी जो ऊपर वाला जो फ्रंट है उसको क्या बोलते हैं, तो सैटेलाइट ही बोलते हैं. ठीक है, ऊपर वाले को सैटेलाइट बोलते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को पी आर्म्स और सैटेलाइट बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो क्यू आर्म्स बोलते हैं. इसमें भी देखने को मिलेगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में कि ये जो क्रोमोसोम्स है, अपर वाला जो है वो शॉर्ट है और नीचे वाला बिलो वाला क्या है, लॉन्ग है. इसका क्या है, लॉन्ग देखने को मिलेगा. ठीक है, और इसमें थोड़ा शॉर्ट मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट, इसमें सैटेलाइट होता ही नहीं है, ऊपर का ही इसमें नहीं होता है. ठीक है, तो सबका जो शेप्स है वो क्या है, अलग अलग शेप आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स में. ठीक है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज क्या होता है, तो ये होता है प्रोक्सीसोम्स. प्रोक्सीसोम पार्टिसिपेटेड इन अ फोटो रिस्पिरेशन. देखो प्रोक्सीसोम जो है वो कहाँ होता है, तो फोटो रिस्पिरेशन में होता है. ये सी टू साइकिल में देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में ये चैप्टर में देखने को मिलेगा. ठीक है, इसके पास जो होता है वो कैटलाइज इंजाइम्स होता है. कौन सा इंजाइम्स होता है, तो कैटलाइज इंजाइम्स होता है. ग्लाइकोसोम क्या होता है, तो इसके पास ग्लाइकोलेट साइकिल होता है, जो इसके पास ग्लाइकोलेट इंजाइम्स होता है, और इसके पास होता है फैट और कार्बो का साइकिल. ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसोम. ठीक है, इसके अंदर होता है मेम्ब्रेन्स, आउटर वालों को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स, फिर अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स भरा होता है, और ये होता है कोर. ठीक है, यहीं पे अगर पेरिजोम का बात करें तो पेरिजोम्स के यहाँ पे लिपिड बाई लेयर होता है. ठीक है, इस तरीके से जिगजैग तरीके से लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, इसके पास होता है कैटलॉइड कोर, जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पा रहे. ठीक है, डिस्कवरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट क्या है, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए हैं, तो वो किए हैं सेल को डिस्कवर. किसको, सेल को डिस्कवर किया. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या आता है, देखो ये जो है ये डेथ सेल को डिस्कवर किए थे, डेथ सेल. ठीक है, और ये जो है वो ये क्या किए थे, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे. ठीक है,
लिविंग सेल। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किए, तो न्यूक्लियस। ठीक है, किसको डिवाइड डिस्कवर किए, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया हम। अल्बर्ट बॉर्न कैलिकर, ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किए हैं, कॉन्ड्रिया। ठीक है, सिसलीडिन सैलिसिडिन सैलिडिन एंड सिचुआन स्वान, ये क्या किए थे, तो ये किए थे थ्योरी दिए थे। ठीक है, प्रपोज्ड सेल थ्योरी, प्रपोज सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी दिए थे। जेम्स थॉम जो है वो क्या किए थे, डिस्कवरी ऑफ एम्ब्रियोनिक नेक सिस्टम, एम्ब्रियोनिक कैमिलो कैमिलो गॉल्गी, ये क्या किए, तो ये गॉल्गी एपरेटस का डिस्कवर किए हैं, गॉल्गी। ये क्या किए, तो गॉल्गी एपरेटस का डिस्कवर किया है। ठीक है, एपरेटस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो साइंटिस्ट का नाम है जो सेल को क्या किए, डिस्कवर किए। ठीक ठीक है, इसको टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया।